हेलो फ्रेंड्स, अब हम सिक्स्थ एग्जांपल सोल्व करेंगे जो है कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 मीटर स्क्वायर क्षेत्र का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। कक्षा की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब हमने ये एज्यूम करना पड़ेगा, मीन्स ये मानना पड़ेगा कि जो कक्ष है वो एक आयताकार है। आयताकार मीन्स इस आकार का है, ये आकार का है इसका, ये आयताकार है और इसकी जो लंबाई है, जो इसकी लंबाई है वो एल है और जो इसकी चौड़ाई है वो बी है। अब मान लीजिए जो इसकी चौड़ाई है वो एक्स है, तब इसकी लंबाई क्या होगी? सबसे पहले हमें दिया इसका क्षेत्रफल, मीन्स 300 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। और जो सेकंड कंडीशन दी है वो ये दी है जिसकी लंबाई मीन्स एल है जो, वो होगी उसकी चौड़ाई, चौड़ाई मीन्स बी, उसके 2 गुणे मीन्स 2 गुणा बी से 1 अधिक है मीन्स प्लस 1। अब एल बराबर होगा 2 और बी के स्थान पर एक्स प्लस 1। अब ये होगी हमारी लंबाई और एक्स होगी चौड़ाई। अब जो क्षेत्रफल होता है इसका वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मीन्स 2x प्लस 1 इंटू एक्स, और ये होगा क्षेत्रफल। और जो क्षेत्रफल गिवन है वो हमारे पास 300 है। अब हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यूनिट नहीं कवर करेंगे। अब अगर 2x की गुणा x के साथ करें तो ये होगा 2x2। इसी प्रकार 1 की गुणा x के साथ करें प्लस x, और जो ये 300 है वो इस साइड आकर माइनस को होगा, मींस -300 बराबर 0। अब हमने इसको सोल्व करना है। अब इस ऐसा अक्षर सोचिए, पहले 2 की 300 गुणा कीजिए तो ये 600 होगा, और बीच वाला अक्षर सोचिए तो ये होगा 1। मीन्स ऐसे दो अक्षर, दो संख्या हमने सोचनी पड़ेगी जिनका गुणनफल तो माइनस का 600 और जिनका योग प्लस का 1 हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वो है वो 25 और -24 है। अब ये हो गया 2x क्या, 1 के स्थान पर ये लिखनी है मीन्स -24x प्लस 25x और -300 बराबर होगा 0। अब जो यहां पर कॉमन 2 है और x है, तो अंदर बचेगा, यहां पर बचेगा x और यहां पर बचेगा -12। और इसी प्रकार यहां पर कॉमन है जो वो 25 है, मींस यहां पर होगा 25 और अंदर बचेगा x -12। अब यहां पर और यहां पर x -12 कॉमन है, तो x -12 आएगा कॉमन और अंदर बचेगा 2x प्लस 25 बराबर 0। अब ये दो टर्म है और इनका गुणनफल 0 के बराबर है, तो इसका मीनिंग यही है कि या तो पहले वाली टर्म 0 के बराबर होगी या फिर दूसरे वाली टर्म 0 के बराबर होगी। मीन्स या तो x माइनस 12 बराबर 0 होगा या फिर 2x प्लस 25 ये 0 के बराबर होगा। अब हम x के लिए सोल्व करेंगे, मीन्स x बराबर 12 होगा और इसी प्रकार 2x बराबर माइनस का 25 होगा और x बराबर होगा -25 ओवर 2। अब हम ये जो x का वैल्यू वो नहीं लेंगे बिकॉज क्योंकि जो ये चौड़ाई है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। अब हम ये लेंगे। अब अगर चौड़ाई इसकी 12 है तो उसकी जो लंबाई होगी वो भी 2 गुने से 1 अधिक होगी, मीन्स 2 × b का मान है जो 12 है प्लस 1, और ये होगी 12 × 24 और 25, मीन्स जो उसकी लंबाई है वो 25 मीटर होगी और जो चौड़ाई है उसकी 12 मीटर होगी। तो इस प्रकार हमारा जो सिक्स्थ एग्जांपल है वो भी कंप्लीट होता है। थैंक्स।